नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल MS ऑटोमेशन में। आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि पैनल मास्टर या फिर नियो की जो HMI होती है उसका जो प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर है उसको हम कैसे डाउनलोड करते हैं, कहां से डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस है वो सब इस वीडियो में हम आपको बताएँगे। तो हमारे इस वीडियो में आप जुड़े रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं, चलो अब वीडियो की तरफ। तो यहाँ से हम ये जो क्रोम है इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमें जो गूगल है वहाँ पर क्या सर्च करना है, इससे पहले हम इसमें लॉग इन कर लेते हैं जो मेल आई डी हमारी। यहाँ से हम इसमें ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो है हम यहाँ पर हम www.cermate.com, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, www.cermate.com यहाँ पर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जैसे ही हमारा ये पेज ओपन हो जाता है, पेज ओपन होने के बाद ये थोड़ी सा इसमें लोडिंग ले रहा है। जैसे ही पेज ओपन होगा उसके बाद बताता हूँ मैं हमें क्या करना है। ये पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम जो इसकी लैंग्वेज है वो चाइनीज़ से बदल कर इंग्लिश में कर देंगे, जिससे हमें इसके सॉफ्टवेयर में जो भी फॉन्ट वगैरह जो भी लिखा हुआ है वो हमें आसानी से समझ में आ सके। ये यहाँ से पेज ओपन हो चुका है और सभी चाइनीज़ लैंग्वेज इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुकी है। अब यहाँ से हम इसमें नीचे जाएंगे, नीचे को स्क्रॉल करेंगे। अब ये पेज ओपन नहीं हुआ है। जैसे ही पेज ओपन होता है ये देखिए कोई पेज ओपन नहीं हुआ है, थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है। अब जैसे ही ये यहाँ से ओपन होगा, ओपन कितना टाइम लेगा भैया, ये ओपन यहाँ से हो चुका है। और ये ओपन होने के बाद जैसे ही यहाँ से हम नीचे, ये जो सॉफ्टवेयर है ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है, यहाँ पे हम इसको मोर पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद ये फिर से प्रोसेस ले रहा है। ये यहाँ से जो डाउनलोड की जो वो है पेज ओपन हो चुका है। यहाँ से देख लिया HMI सॉफ्टवेयर या PM डिजाइनर। मैं दोस्तों आपको एक बात बता दूं, ये जो वर्जन 1 का है, PM वर्जन 1 का, इसको हमें पहले डाउनलोड करना है। यहाँ से इसको डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद फिर से हमें ये जो वर्जन 2 है, PM वर्जन 2, इसको इंस्टॉल करना है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर हमारी जो सभी सीरीज़ है वो अवेलेबल है। और ये नीचे जो है ये भी वर्जन इसका 4 है, इसको हमें छोड़ देना है, इससे हमें कोई काम नहीं है। तो मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, पहले हमें वर्जन 1 जो सबसे ऊपर वाला है उसको डाउनलोड करना है, फिर ये वर्जन 2 है जिसको मैंने डाउनलोड पे लगा दिया है, फिर ये डाउनलोड करना है। तो पहले वर्जन 1 को डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना है, उसके बाद ही फिर वर्जन 2 जो बीच वाला है, जो हमारा HMI का सॉफ्टवेयर है इसमें जिसमें ज़्यादातर सीरीज़ है, उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद फिर इसको हम इंस्टॉल करेंगे। ये यहाँ से क्या नाम है, डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है और ये डाउनलोड चल रहा है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल 10-15 MB जो बाकी है वो रह गया है, इसको इंस्टॉल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे ये पूरा डाउनलोड हो जाएगा फिर हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ये डाउनलोड पे चल रहा है, ये हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद हमारा ये जो है सब स्क्रीन खुली है। यहाँ से हम इसलिए हमें कह रहा है कि भाई जो डाउनलोड हुआ उसको कहाँ पर आपको सेव करना है, तो मैं इसको सेव कर दूँगा। सेव आप जिसे जहाँ भी चाहिए आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैं इसको डी ड्राइव में सेव करूँगा, क्योंकि मेरे जो सारे प्रोग्राम्स हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, वो सारे डी ड्राइव में है। डी ड्राइव में मैं इसको PM मैनेजर में जाके इसको सेव कर दूँगा। ये यहाँ से कहाँ गया, ये यहाँ से मैं जस्ट स्क्रॉल करता हूँ तो ये रहा PM डिज़ाइनर। यहाँ से मैं इसको इस फोल्डर में जाकर इसको सेव कर दूँगा। यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया, स्टार्ट हुआ है, जो स्टार्ट हो चुका है, ये यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से ये ओपन हम इसको कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, ये जो फाइल है, ये जिप फाइल है, हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, जो हमारा भी डाउनलोड हुआ है। डाउनलोड होने के बाद ये हम यहाँ से इसको 7 ZIP है, जो ZIP में जाकर मैं इसको एक्सट्रैक्ट हेयर पर जाके क्लिक कर दूँगा, जिससे ये फाइल जो है वो एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो चुकी है, और जैसे ही जब ये कंप्लीट होगी
फिर मैं इसको इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दूंगा। ये यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, अब मैं इसको यहाँ से वर्जन 1 मेरा जो पहले ही इंस्टॉल है इसमें, वर्जन 2 है जो सेटअप का है, ये वर्जन 2 को मैं यहाँ से इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दूंगा। और जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करने के बाद हमारा देखिए दोस्तों जो इंस्टॉलेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से यस कर दूँगा, यस करने के बाद यहाँ से लैंग्वेज इसकी सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मेरा विंडो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। ये यहाँ से हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये जो इसकी विंडो थी वो चुकी है। और यहाँ से रिपेयरिंग होना स्टार्ट हो चुका है इंस्टॉल के लिए। यहाँ से इसको नेक्स्ट कर दूँगा। नेक्स्ट करने के बाद ये यहाँ से इंस्टॉलेशन इंस्टॉल की जो की है वो मांग रहा है, और यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन का जो मेरा फर्म है उसका नाम मांग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये जो मैंने फोल्डर को एक्सट्रैक्ट किया वहाँ पर जाकर इसकी इंस्टॉलेशन की को कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसमें पहले मैं इसमें फर्म का नेम डाल देता हूँ। फर्म का नेम डाल दिया, जैसे ही फर्म का नेम डालने के बाद मैं इसमें इंस्टॉलेशन की कॉपी कर लूँगा। सॉरी कॉपी नहीं हो रहा है, अब इसको कॉपी करने के लिए मैंने विंडो क्लोज कर दी थी, दोबारा से ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ से कॉपी, और यहाँ से इसको मिनिमाइज कर दूँगा, या तो फिर दूसरी स्क्रीन पे जहाँ पे इसको पेस्ट करना है उसको ओपन कर लूँगा। यहाँ से ओपन करने के बाद इसमें ये मैं पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद जैसे इसको नेक्स्ट करता हूँ तो ये हमारी विंडो जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल, ये हमारी विंडो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये कुछ टाइम लेगा, कुछ टाइम के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ से ये एक सब स्क्रीन कंप्लीट होने वाली है, ये एक सब स्क्रीन कंप्लीट होने के बाद दूसरी ओपन हो गई है। ये यहाँ से ये भी कंप्लीट होने के बाद हुई है। देखें इंस्टॉलेशन की प्रोसेस चल रही है। ये यहाँ से हमारा जो है इंस्टॉल कंप्लीट हो चुका है, अब इसको यहाँ से हम फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, बाकी इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो चीज़ बताने जा रहा हूं। फिनिश होने के बाद आप क्या करना है, जब भी आप इसको खोलोगे और HMI से कनेक्ट करोगे तो ये यहाँ पे जो इसका ड्राइवर मांगेगा न्यू HMI का, जो इंस्टॉल जल्दी से होता नहीं है। तो हमें क्या करना है, ये हमारा जो सी ड्राइव में जो इंस्टॉल हुआ है वहाँ पर जाके सी ड्राइव में हम प्रोग्राम्स में जाएँगे। प्रोग्राम्स में जाने के बाद इसका एक जो PM मैनेजर है, PM मैनेजर का एक फोल्डर बनेगा। PM मैनेजर ये रहा, खुल गया। PM मैनेजर में जाने के बाद ये वर्जन 2 का सॉफ्टवेयर हमारा, उसको ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, USB पे जाने के बाद हमारी जो भी विंडो है 32 बिट की है या फिर 64 बिट की है उसको जाके यहाँ पे हम उसको सेलेक्ट करेंगे। जब भी हम HMI इससे कनेक्ट कर रहे हैं केबल के थ्रू, तो ये वहाँ पर न्यू HMI है जो उसका ड्राइवर अनइंस्टॉल दिखाएगा, भाई उसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। तो वहाँ पे जाके हम इस फोल्डर को सिलेक्ट करना है, और वहाँ पे इस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे जो उसका ड्राइवर है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और जिससे हमें जो HMI USB केबल के थ्रू HMI से PC को कनेक्ट किया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और प्रोग्राम आसानी से हम अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। तो अगर वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और वीडियो में अगर कोई भी आपका डाउट है तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।